हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मस्ताना स्वागत है। हम आज लाए हैं आपके लिए बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए पॉलिटी सब्जेक्ट के एमसीक्यू। ओके, हम आज आपको फर्स्ट यूनिट फर्स्ट के एमसीक्यू क्वेश्चन कराएंगे जो कि पॉलिटिकल के हैं। ओके, और हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे सभी सब्जेक्ट के लिए हम लाएंगे। आप कमेंट में बता सकते हैं हम किस सब्जेक्ट के लिए लाएँ। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किन्हें आप धर्म के अंतर्गत रखेंगे। तो ये पूछ रहा है अहिंसा ये धर्म नहीं होगा, अहिंसा तो कोई भी कर सकता है, पूजा पूजा एक धर्म में ही होती है, नवाज एक धर्म में पड़ी जाती है, यज्ञ हमारा कोई धर्म वाली करते हैं, बलि मतलब बलि कोई जानवर की या किसी की वाली देते हैं तो ये धर्म में ही आ जाता है। तो इसके ऑप्शन ये हमारे ब स य र ये सही है। क्वेश्चन नंबर दो, धर्म आध्यात्मिक शक्ति पर विश्वास है यह किसकी परिभाषा है। तो एक वैज्ञानिक थे एक एडवर्न टाइलर ने। ओके, निम्न में से धर्म की कौन सी विशेषता नहीं है। इसका न मानने पर सरकारी दंड ये कोई धर्म से संबंधित नहीं है। ओके, पवित्र घोषणा ये प्रार्थना करना श्रेष्ठ ये सब धर्म से। क्वेश्चन नंबर चार, धर्म में मनुष्य से श्रेष्ठ न उन शक्तियों की जो परिभाषा ली गई है। इसका आप देख सकते हैं इसका सही आंसर है। ओके, पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर पाँच, निम्न में से धर्म की कौन सी विशेषता है। तो धर्म की विशेषता है अलौकिक शक्ति पर विश्वास ये है। क्वेश्चन नंबर छः, कौन सा धर्म से संबंधित तत्व है। सदाचार पवित्रता नैतिकता ये सभी धर्म के ही तो हैं इसलिए। क्वेश्चन नंबर सात, निम्न में से कौन सा धर्म से संबंधित व्यवहार नहीं है। तो इसमें बाल विवाह कोई धर्म से संबंधित नहीं है। ओके, निम्न में से धर्म की कौन सी विशेषता नहीं है ये पूछ रहा है। तो इसमें चोरी कोई भी कर सकता है, धर्म से कोई संबंध नहीं है। यह मनुस्मृति में निम्न में से कौन सा पट माना जाता है। इसका सभी क्षमा सभी। क्वेश्चन नंबर दस, विशिष्ट धर्म में निम्न में से कौन क्या आता है ये पूछा। धर्म में तो ये सभी हमारे ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए 1911 में। भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे माना जाता है। तो ये बाल गंगाधर तिलक थे। ओके, गर्म दल के भारत जोड़ो आंदोलन और किस नाम से भी जाना जाता है। ओके, इसको भारत में इसका आंसर है हमारा वर्धा प्रस्ताव। तो ये हमारा प्रेस से संबंधित था। 15, माने हमारा महाभारत में युधिष्ठिर को राजधर्म का उपदेश किसने किया। तो ये भीष्म पिता थे। राजधर्म निम्न में से क्या है। राजधर्म ये उपयुक्त सभी रक्षा राजा का आदर चरित्र लोक कल्याणकारी कार्य सभी ऐसे 17 में ऐसे इन स्टोग्राफी नामक पुस्तक इसकी है। तो ये हमारा यूएन घोषाल की है। रणनीति दंड एवं तथा साधन दोनों से संबंधित विज्ञान है यह कथन किसने कहा था। तो इसका सर यूएन घोषाल ने। मनुस्मृति में राजा के कितने कार्यों का उल्लेख किया गया है। 8 का दंड और धर्म दोनों की राजनीति जीवन के दो पहलू में ये किसने कहा था सर। इसका प्रेम कुमार सरकार ने। मध्य संन्यास का सिद्धांत निम्न में से किस से है। हमारा कांग्रेस की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई। तो ये ओम होम। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को औपचारिक शुरुआत कब हुई। तो ये हमारी हुई थी 1885 में। कुछ क्वेश्चन 24 समय हमारा 1915-16 में होम रूल लीग निम्न में से किसके नेतृत्व में आरंभ की गई थी। तो ये तिलक तथा अधिवेशन दोनों ने की थी। और 25वां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ था। तुम्हारा ये 1907 में हुआ था। वंदे मातरम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना। तो स्वदेशी आंदोलन में ये बना था। 27वां, श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई। तो ये हमारा 1917 में हुई थी कलकत्ता अधिवेशन में। 28वां, नीति शास्त्र को चरित्र का विज्ञान किसने कहा था। तो म्यूर हेड ने कहा था। मैनुअल ऑफ एथिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है। सर मैकेंजी। 17, नीति शास्त्र को प्राकृतिक विज्ञान किस विद्वान ने नहीं माना है। तो वह मेरी हेड में। धर्म भावना से युक्त नैतिकता के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है यह कथन किसका है। तो मैथ्यू आरल्ड। भावना से युक्त नैतिकता ही धर्म है यह कथन किसका है। वह हमारा यह मैथ्यू आरल्ड ने। ओके, चेतन शरीर की आत्मा है यह कथन किसका है। चार वार्क ने। ओके, 34 का अष्टांग मार्ग का प्रतिपादन किसने किया है। गौतम बुद्ध ने। पंच महाव्रत के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। जैन धर्म ने। निष्ठकाम कर्मयोग्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में। 6वीं शताब्दी ईस्वी में इन महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। उनकी संख्या कितनी थी। 16। 24वां, 6वीं शताब्दी ईस्वी में राजतंत्रीय व्यवस्था को समाप्त कर गणतंत्रीय शासन प्रणाली की स्थापना हुई। इसका निम्न में से किस कारण था। कारण पूछ रहा है
जनचेतना की जागरूकता। राज्यों का प्रमुख है, वह 10 वर्ष के लिए चुना जाता था। 46वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत पर पहले निर्णय से किस ईरानी सम्राट ने आक्रमण किया? साइरस प्रथम ने। 43वां, लिच्छवी गणराज्य की राजधानी कहाँ थी? 43, मालवा और उसके आसपास का क्षेत्र किस जनपद का हिस्सा था? अवंती। सबसे शक्तिशाली राजतंत्र था मगध। शाक्य गणराज्य की राजधानी कहाँ थी? कपिलवस्तु। बस क्या करें, हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे, हम एक एक से सभी सब्जेक्ट की वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय भारत।